हम सब जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म, जो उनकी वास्तविक जन्मभूमि है, वह उत्तर प्रदेश ही है। उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में एक छोटे से गांव में उनकी जन्मभूमि बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने शिक्षा उत्तर प्रदेश के अलग अलग संस्थानों में अर्जित की। बचपन से ही अपने धुन के पक्के और कुशाग्र बुद्धि के होने के नाते स्कॉलरशिप मिलती गई और उनकी पढ़ाई आगे बढ़ती गई। भारत और भारतीयता के प्रति उनका दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट था। उन्होंने संस्कृति को राष्ट्र की आत्मा के पर्याय के रूप में उसका संवाहक माना और उनका स्पष्ट कहना था कि भारतीय दृष्टिकोण विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, लेकिन समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के बारे में भी उनकी धारणाएं बहुत स्पष्ट थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बहुत स्पष्ट कहा था कि आर्थिक उन्नति और प्रगति का पैमाना ऊंचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से नहीं, बल्कि इसका पैमाना सबसे नीचे पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से की जानी चाहिए। हमने प्रगति कितनी की है इसका मापक आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति नहीं हो सकता, बल्कि सबसे निचले पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति से हमें इसकी समीक्षा करनी चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए कि हम कहां सफल हुए, कहां विफल हुए। और यही अंत्योदय की उनकी अवधारणा स्वतंत्र भारत में गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का एक माध्यम मिला। आपने देखा होगा, चाहे सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब 1998 से लेकर के 2004 तक सरकार कार्य कर रही थी, उस सरकार का लक्ष्य भी गरीबों का उत्थान रहा है।